नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो किसी वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन अगर किया जाता है तो यह उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है कि उस व्यक्ति को कभी भी कोई छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं लगती हैं और बड़ी मुश्किल से ही वह व्यक्ति बीमार पड़ता है। यहाँ तक कि इस पौधे का, इस वनस्पति का इस्तेमाल तंत्र शास्त्र में सामने वाले की बुद्धि को बांधने के लिए भी किया जाता है। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो यह पौधा बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करता है। यहाँ तक कि जैसे कई प्रकार के शत्रु ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उन्हें कितना भी प्यार से समझाया जाए, कितना भी अच्छा उनके लिए क्यों ना बोला जाए, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं पलटती है। वे अपनी बुद्धि से नहीं फिरते हैं और इसी प्रकार का खेल वह रचते रहते हैं जिससे खुद तो परेशान होते ही हैं और सामने वाले को भी परेशान करते हैं। तो अगर आप ऐसे शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो आपको कुछ ना कुछ, जो आपका दोस्त की तरह स्वभाव करता है लेकिन पीठ पीछे वह आपका शत्रु है, ऐसे शत्रु को अगर आप जानते हैं तो ऐसे शत्रु से छुटकारा पाने के लिए भी यह पौधा एक रामबाण की तरह कार्य करता है। सारी विधि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ध्यान से बिल्कुल वीडियो को देखें। सबसे पहले भगवान शिव को यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख दें जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दें कि जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, अगर आपके पास कोई भी गुरु नहीं है तो केवल भगवान शिव को ही गुरु मानते हुए किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है। किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है बिना ही किसी गुरु के पास जाए, बिना ही किसी गुरु की दीक्षा लिए हुए। केवल भगवान शिव को ही अपना गुरु स्वीकार करते हुए कोई भी मंत्र अगर जाप किया जाए, लेकिन ये बात आप ध्यान रखा करें कि जो भी मंत्र आप जाप करते हैं उसकी विधि और उसकी विधि अनुसार नियम जितने भी हैं उन सब का पता होना आपको बेहद आवश्यक है और उसी के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो शारीरिक रूप में आपको सारे नियम बता सके। अगर आपको नियम पता होते हैं, विधि पता होती है तो केवल भगवान शिव को ही गुरु मानते हुए सारे मंत्र किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो वनस्पति के लिए जो वशीकरण क्रिया की जाती है उसमें कुछ मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी विधि भी हम आपको बताएंगे और शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए कौन सी विधि होती है, किस प्रकार मंत्र का जाप किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। इस पौधे का जो नाम है उसे ब्रह्मी कहा जाता है। यह पौधा ब्रह्मी के रूप से जाना जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे की इतनी महिमा गाई गई है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो, श्वास संबंधी समस्याएं हो, स्किन रिलेटेड समस्याएं हो यानी कि त्वचा से जुड़े हुए अगर कोई रोग होते हैं तो उनके लिए भी यह पौधा एक रामबाण की तरह कार्य करता है। पहले इसके आयुर्वेदिक लाभ बता देते हैं क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की जो त्वचा है उस पर फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, काली पड़ती है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी त्वचा संबंधित परेशानी है, तो ब्रह्मी का जो पौधा होता है उसके पाउडर का जो लेप है वो रोज रात को सोने से पहले त्वचा पर लगाया जाए तो वह त्वचा बिल्कुल चमकदार, गोरी और रंगत वाली बन जाती है। यानी कि उस व्यक्ति को जहाँ पर यह ब्रह्मी का पाउडर लगाता है उसकी वहाँ पर त्वचा, स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार होने लग जाती है। बिना किसी दवाई के, बिना ही किसी चीज़ के यह पौधा एक रामबाण की तरह कार्य करता है। आजमा कर आप जरूर देखें, इसके जो फायदे हैं उन्हें जब आप खुद ही महसूस करेंगे तो खुद ही हैरान होंगे। दूसरा इसका फायदा है, अगर किसी व्यक्ति को जैसे कि अस्थमा कई लोगों को हो जाता है, दमा रोगी जो हो जाते हैं उनको श्वास संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, जरा से वह कार्य करते हैं उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, तो उसके लिए केवल इतना करना है कि शहद में ब्रह्मी का जो पाउडर है उसको मिलाकर अगर सेवन किया जाए तो इससे अस्थमा रोग, दमा रोग बहुत तेज़ी से ठीक हो जाता है। मात्र एक महीने में आप इसके असर को देखेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे काम की हैं, जो महंगी दवाइयाँ खाते हैं, अपना फिजूल का खर्च करते रहते हैं और फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर करें, और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तीसरी चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर लो की समस्या हो, हाई की समस्या हो, दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस व्यक्ति को सुबह उठते ही ब्रह्मी पाउडर, ब्रह्मी का जो चूर्ण होता है उसका सेवन कराया जाए रोज़ सुबह उठते ही खाली पेट, तो उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है और ब्लड प्रेशर की समस्या उसे जीवन में नहीं हो सकती है। अब आप ये देखिए कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो या फिर लो हो तो उस व्यक्ति को सैकड़ों बीमारियां लग जाती हैं
पर उसके लिए फिर वह जगह जगह धक्के खाता है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाता है, फिजूल खर्च हो जाता है और फिर भी ठीक नहीं हो पाता है। तो ब्रह्मी का पाउडर का इस्तेमाल आप करके देखें, इसके फ़ायदे ज़रूर ही आपको हैरान करेंगे। आयुर्वेद में तो इसका इस्तेमाल बच्चों के टॉनिक के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि जिन बच्चों का पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, या फिर जो बड़े लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं और बिल्कुल उन्हें नींद नहीं आती है, तब भी इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जाता है। अगर रोज़ रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ ब्रह्मी पाउडर का सेवन किया जाए तो इतनी अच्छी नींद आएगी आपको कि आप खुद ये बोलेंगे कि आज तक इतनी अच्छी तरह से नहीं सोया हूँ, और बिल्कुल तरोताज़ा, बिल्कुल फ्रेश होकर आप उठेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता हो, शराब पीने से उसके पेट में कुछ दर्द बना रहता हो, लीवर संबंधित समस्याएं उसे हो गई हो, या फिर कोई किडनी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई हो, तो अगर वह व्यक्ति ब्रह्मी पाउडर का सेवन करता है तो इससे उसके वह रोग भी ठीक हो जाते हैं, लीवर संबंधित समस्याएँ बिल्कुल सॉल्व हो जाती हैं, किडनी बिल्कुल अच्छे से कार्य करने लग जाती है, पेट बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। यह सिर से लेकर और एडी तक सारे चीज़ों में कार्य आता है, काम आता है। तो अगर आपको इस प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, किसी न किसी प्रकार से उन्हें दर्द बना ही रहता है, तो आप एक काम करें कि ब्रह्मी पाउडर लेकर आ जाएं और इसका सेवन एक महीने तक करें। ये बात भी आप ध्यान रखें कि इसका सेवन रोज़ बिल्कुल लगातार नहीं किया जाता है। जब शरीर में कोई बीमारी बन जाती है तभी केवल इसका सेवन एक महीने, दो महीने, तीन महीने तक किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेवन केवल पाँच या छः महीने तक किया जाता है। उसके बाद उतना ही गैप करना आवश्यक है जितना दिन आपने इस जड़ी बूटी का, इस वनस्पति का सेवन किया है। जैसे कि अगर एक महीना आप सेवन करते हैं तो एक महीने का गैप करें, दो महीना सेवन करते हैं तो दो महीने का गैप करें। शरीर में चाहे कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, हर एक चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके तंत्र शास्त्र में किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है वशीकरण के लिए। आयुर्वेद के तो बहुत सारे लाभ हमने बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बता दिए हैं कि इसके हर एक चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो अगर इस जड़ी बूटी को पढ़ा जाए, सम्मोहिनी वशीकरण मंत्र से पढ़ा जाए और उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया जाए जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो सामने वाला पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाता है। यह मंत्र आप ध्यान से सुन लें कि किस मंत्र से इस जड़ी बूटी को पढ़ना है। ओम सर्व मोहिनी क्राम क्रीम क्लीम अमुख वशम कुरु कुरु स्वाहा। ध्यान से सुने इस मंत्र को कि इसमें एक बार क्राम क्रीम और बाद में क्लीम बोला जा रहा है, जो कि आकर्षण का बीज मंत्र है। तो एक बार फिर से इस बीज मंत्र को, इस पूरे मंत्र को सुन लें। ओम सर्व मोहिनी शक्ति क्राम क्रीम क्लीम अमुक वशम कुरु कुरु स्वाहा। जब हम आपको मंत्र बताते हैं तो इस मंत्र को बिल्कुल ध्यान से सुनकर एक डायरी में आप लिख कर रख लिया करिए, या फिर मोबाइल में ही लिख लिया करिए, जिससे बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इस मंत्र से अगर 51 माला ब्रह्मी पर यह मंत्र पढ़ दिया जाए, अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम ले दिया जाए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और उसके बाद इस ब्रह्मी जड़ी को उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया जाए, तो वो सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाता है। आप खुद इतना चमत्कार देखेंगे कि हैरान ही रह जाएंगे। यह इतना आसान सा तंत्रोक्त प्रयोग वशीकरण के लिए हमने आपको बताया है, जो बिल्कुल भी फेल नहीं होता है। जो माताएं, जो बहनें परेशान रहती हैं अपने पति की वजह से, उनका पति उनका कहना नहीं मानता है, परेशान करता है, या कई लोग हमसे यूं भी बताते हैं कि उनके बेटे की शादी हुई है, उनकी जो बहू है उनका कहना नहीं मानती है, तो उसे अपने वश में करने के लिए, परिवार के फेवर में करने के लिए इस प्रयोग को करा जा सकता है। अब कई लोगों की समस्याएं ये होती हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति को खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको करना केवल इतना है कि जो ये मंत्र हमने आपको बताया है, इस मंत्र को 108 माला पढ़ के, इस जड़ी बूटी को सिद्ध करके आपको इसका तिलक बना लेना है, और इस तिलक को अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है, और आज्ञा चक्र पर उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जिस भी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल वैसे करने लग जाता है। तो जो लोग खिला नहीं सकते हैं, इस प्रकार इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ब्रह्मी का पौधा आपको नहीं मिलता है तो ब्रह्मी चूर्ण का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए, क्योंकि शत्रु से छुटकारा प्राप्ति करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि अगर शत्रु बने रहते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते हैं और जीवन को बिल्कुल शांति छीन लेते हैं, चैन से बिल्कुल जीने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के शत्रु से बचने के लिए आपको इस मंत्र का इस्तेमाल करना है, जो कि महाकाली का मंत्र है शत्रु नाश के लिए। ओम क्रीम महाकाली शत्रु नाशाय क्रीम 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 ओम फट। एक बार फिर से इस मंत्र को सुने, ओम क्रीम महाकाली शत्रु नाशाय क्रीम 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 ओम फट। तो ये जो मंत्र है इसमें क्रीम तीन बार शत्रु नाशाय के बाद आपको बोलना है। बिल्कुल विस्तार से हम आपको बताते हैं जिससे सही से आप सारी चीज़ों को समझ सकें, एक भी चीज़ मिस ना हो। तो इस मंत्र से ब्रह्मी का जो जड़ी बूटी है इसको आपको सिद्ध करना है। ब्रह्मी के साथ आपको उतनी लौंग लेनी है जितना आपके शत्रु के नाम के अक्षर हैं। हिंदी में आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, जैसे कि अगर आपके शत्रु का नाम रवि है तो आपको रा और वा गिनना है, जो ई या ऊ की मात्रा होती है उसको आपको नहीं गिनना है, केवल अक्षर आपको गिनने हैं। उतने ही आपको लौंग लेनी है और ब्रह्मी के पाउडर में मिलानी है और इसका एक तिलक तैयार करना है। यह तिलक आपको रोज रात को साधना करते समय इस्तेमाल करना है। यह जो मंत्र हमने आपको बताया है इस मंत्र को रोज केवल एक माला, दो माला, तीन माला या फिर पांच माला भी जाप किया जा सकता है। ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति साधना में बैठता है तो साधना करने से जब पहले बैठता है तो उसका मन नहीं लगता है, लेकिन जब वह मंत्र का जाप करने लग जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है और खुद ही उठने का मन नहीं करता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लगातार इस मंत्र का जाप कम से कम आधे घंटे कर सकते हैं, या 15 मिनट भी कर लिया जाए तो काफ़ी रहता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि ब्रह्मी में आपको लौंग उतनी मिलानी है जितने शत्रु के नाम के अक्षर हैं। रोज रात को आपको तिलक लगाते हुए एक घी का दीपक महाकाली के सामने जलाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि हमने आपको बताया है, इस वीडियो में पहले ही बता दिया गया है। एक बार फिर से बता देते हैं, ओम क्रीम महाकाली शत्रु नाशाय क्रीम 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 ओम फट। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए शत्रु का ध्यान करना है, जो भी आपका शत्रु है, और उसे भी आपको इस मंत्र का जाप करते हुए जिस प्रकार की स्थिति आप चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि वो आपको बिल्कुल भूल जाए, आपको परेशान ना करे, तो इस प्रकार की स्थिति सोचनी है। ये बात आप ध्यान रखें कि जब आप मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार के जो खास मंत्र होते हैं इनका जाप करते हुए आज्ञा चक्र पर उस चीज़ को ध्यान करते हैं, जैसे कि शत्रु का ध्यान करते हैं, और ये भी महसूस करते हैं कि वो व्यक्ति दूर जा रहा है, खुद ही आपसे डर के भाग रहा है, आपका पीछा छोड़ रहा है और आपको बिल्कुल अब परेशान नहीं कर रहा है, तो इससे ये होता है कि उस शत्रु को आदेश प्राप्त होता है। और पिछले वीडियोस में काफ़ी बार हमने आपको बताया है कि व्यक्ति के दो शरीर होते हैं, एक तो शरीर ऐसा होता है कि जो मांस हड्डी का बना हुआ होता है, एक शरीर बिल्कुल अदृश्य होता है जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि प्यार को आप महसूस करते हैं, नफ़रत को आप महसूस करते हैं, गुस्से को महसूस करते हैं, ये दिखाया नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं, और जो महसूस करता है वही अदृश्य जो शरीर होता है वह तंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि आज्ञा चक्र पर उस शत्रु का ध्यान करते हुए उसे आज्ञा देनी है, और इस प्रकार किया जाता है लगातार 21 दिन तक, तो इससे शत्रु बिल्कुल भय से डर कर भाग जाता है, उसे खुद ही इतना भय होने लग जाता है कि वह आपके सामने भी नहीं आ सकता है, आप आंखों से उसकी तरफ देखेंगे भी तो आपसे आंखें चुराने लगेगा, आप कुछ बोलेंगे भी तो आपकी बात को अनसुना करने लगेगा, यानी कि बिल्कुल आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देगा और खुद ही भय के मारे वो डर कर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है, खासकर कि वो लोग जो आपके दोस्त बनते हैं लेकिन आपका नुकसान वे हमेशा करते हैं, तो इस प्रकार के शत्रु से अवश्य ही छुटकारा पाएं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, इसमें बहुत सारी जानकारी हमने आपको बताई है जिससे दूसरे लोगों का भी लाभ हो सके और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। जब आप शेयर करते हैं तो इससे आपकी मदद तो होती ही है और दूसरे लोगों का भी लाभ होता है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।